नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं बैक बेंचर लॉ। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 112 एंड 113 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो आइए देखते हैं इन सेक्शन में क्या कहा गया है। तो सेक्शन 112 में कहा गया है वेवियर ऑफ फोरफीचर। इसमें कहा गया है अ फोरफीचर अंडर सेक्शन 111 क्लॉज जी इज वेव्ड बाय एक्सेप्टेंस ऑफ रेंट व्हिच हैज बिकम ड्यू सिंस द फोरफीचर और बाय डिस्ट्रेस ऑफ सच रेंट और बाय एनी अदर एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द लेसर शोइंग एन इंटेंशन टू ट्रीट द लीज एज सब्सिस्टिंग। ठीक है, यहाँ तक पहले समझते हैं। इसको समझने से पहले अगर आपने सेक्शन 111 नहीं देखा है, ठीक है, 111 अगर आपने सेक्शन नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो 111 का जो जी पॉइंट में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे मैं कहा है कि फोरफीचर से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में कहा गया है कि उस फोरफीचर को वेवियर कैसे होगा, उसको वेवियर यानी कि उसको हटाया कैसे जा सकता है, यानी कि वो वेव कैसे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में कहा गया है। तो इसमें तीन पार्ट है, ठीक है, पहले समझिए। तो पहला पार्ट कहता है कि बाय एक्सेप्टेंस ऑफ रेंट, ठीक है, बाय एक्सेप्टेंस ऑफ रेंट यानी कि जो कि ड्यू हो गया होगा फोरफीचर के बाद से। मान लीजिए कि जब फोरफीचर हो गया, मान लीजिए आज के दिन फोरफीचर हो गया, आज से फोरफीचर होने के बाद करीब दो एक महीना बाद, ठीक है, एक महीने बाद क्या किया, जो लेसी है उसने अगर रेंट दे दिया मुझे, ठीक है, जितना भी फोरफीचर होने के बाद एक महीना का रेंट अगर उसने दे दिया और अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि मैं यहाँ पे अगर लेसर हूँ, आप यहाँ पे लेसी हैं, तो अगर फोरफीचर हो गया है उसके बाद, अगर तो फोरफीचर होने के एक महीना बाद एक महीना हो गया है, उसके बाद आप क्या करते हैं, उस वन मंथ का रेंट मुझे अगर आप दे देते हैं और अगर मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ उस रेंट को, तो यहाँ पर वो जो फोरफीचर था वो यहाँ पर वेव हो गया। ठीक है, यहाँ पे वो जो लीज डिटरमाइन होने वाला था यानी कि जो फोरफीचर हुआ था वो यहाँ पे वेव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें कहा गया है एनी डिस्ट्रेस ऑफ रेंट। डिस्ट्रेस का मतलब समझिए, डिस्ट्रेस का मतलब हो गया कि कोई मामूली सा चीज़ दे देना। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे कि अगर कोई घर है, घर के बदले में अगर वो एक घोड़ा दे देगा, अगर वो घोड़ा को उसने एक्सेप्ट कर लिया तो इस केस में भी वो वेवियर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लेसर हूँ, आप यहाँ पे लेसी हैं, यहाँ पे फोरफीचर हो गया है। अब फोरफीचर होने के बाद क्या होता है कि आप मुझे एक हॉर्स लाके देते हैं, ठीक है, आप अगर मुझे हॉर्स लाके देते हैं, अगर मैं उस हॉर्स को एक्सेप्ट कर लेता हूँ उस रेंट की जगह, तो इस केस में भी यहाँ पे वेवियर हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रेस का मतलब ये कोई एक छोटा मोटा चीज़ दे देना, ठीक है, वो हो गया डिस्ट्रेस। अब तीसरा पॉइंट में कहा गया है कि एनी एक्ट ऑफ द लेसर शोइंग कि वो उसको उसका वेव कर दिया है, ठीक है, यानी कि वो जो फोरफीचर उसको वेव कर दिया है। कोई भी अगर एक्ट करता है यहाँ पे लेसर, जिससे कि शो होता है कि वो यहाँ पे वेव कर दिया है, तो इस केस में उसको उस एक्ट को यहाँ पे वेवियर माना जाएगा। ठीक है, अब इसका जो दूसरा लाइन है, दूसरा लाइन में कहा गया है प्रोवाइडेड दैट द लेसर इज अवेयर दैट द फोरफीचर हैज बिन इनकर्ड। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि वेवियर तब होगा, यहाँ पे वेवियर तब होगा जब यहाँ पे लेसर को पता है कि फोरफीचर हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि लेसर को पता ही नहीं है यहाँ पे फोरफीचर हुआ है और अगर वो कोई एक्सेप्ट कर लेता है कुछ, ठीक है, यहाँ पे लेसर को अगर पता नहीं है कि यहाँ पे फोरफीचर हुआ है, उसके बाद अगर वो कुछ एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो इस केस में वेवियर नहीं होगा। ठीक है, अगर उसको पता नहीं है, उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट कर लिया है, उसको पता नहीं है और वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो इस केस में वेवियर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया प्रोवाइडेड दैट कि लेसर को पता होना चाहिए कि यहाँ पे फोरफीचर हुआ है। अगर उसको पता नहीं है और वो एक्सेप्ट कर लिया तो उसको वेवियर नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर उसको पता है कि फोरफीचर हुआ है, उसके बाद अगर वो वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे फोरफीचर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लास्ट वाला, लास्ट में कहा गया प्रोवाइडेड दैट और प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर रेंट इज एक्सेप्टेड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट टू इजेक्ट द लेसी ऑन द ग्राउंड ऑफ फोरफीचर सच एक्सेप्टेंस इज नॉट अ वेवियर। तो इसमें कहा गया है कि जब लेसर सूट फाइल कर देगा, ठीक है, यहाँ पे जब लेसर सूट फाइल कर देगा फोरफीचर होने के बाद, तो उस केस में यानी कि सूट फाइल होने के बाद अगर लेसी अगर उसको रेंट देता है और ये एक्सेप्ट करता है, तो दैट इज़ नॉट अ वेवियर। यानी कि सूट फाइल होने के बाद अगर वो उसको रेंट दे देता है, तो यहाँ पे यानी कि लेसी अगर उसको रेंट दे देता है, तो यहाँ पे वेवियर नहीं होगा, यानी कि सूट फाइल करने के बाद वेवियर नहीं होगा। ठीक है,
तो सेक्शन 112 में यही कहा गया। अब देखते हैं सेक्शन 113 यानी कि 113 में क्या कहा। तो अब सेक्शन 113 में कहा गया है वेवियर ऑफ नोटिस टू क्विट। इसमें कहा गया है अ नोटिस गिवन अंडर सेक्शन 111 क्लॉज एच इज वेव्ड विद द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज गिवन बाय एनी एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन गिविंग इट शोइंग एन इंटेंशन टू ट्रीट द लीज एज सब्सिस्टिंग। ठीक है, तो इसमें कहता है कि जो यहाँ पे सेक्शन 111 का क्लॉज एच में कहा गया था कि वो नोटिस एक्सपायरी जब एक नोटिस एक्सपायरी हो जाएगा तो यहाँ पे लीज जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब वो नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, तो वो नोटिस कैसे वेव होगा, वेवियर कैसे माना जाएगा उस नोटिस का। तो इसमें कहा गया है कि बाय एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट गिवन बाय द पर्सन, ठीक है, जिसको कि यहाँ पे दिया गया, यानी कि एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट अगर वो देता है, यानी कि जिसको दिया गया नोटिस अगर वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट देता है तो इस केस में वेवियर हो जाएगा। या फिर दूसरा इसमें कहा गया है कि बाय कोई एक्ट ऑफ द पर्सन हु इज़ गिविंग द नोटिस, यानी कि जो नोटिस दे रहा है उसके अगर कोई एक्ट से ऐसा लगता है कि लीज सब्सिस्ट कर रहा है यानी कि लीज चल रहा है तो इस केस में भी वेवियर हो जाएगा। अब इसका दो इलस्ट्रेशन है, उसको आप पढ़िए, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन में कहता है ए द लेसर गिव्स बी द लेसी नोटिस टू क्विट द प्रॉपर्टी लीज, द नोटिस एक्सपायर्स, बी टेंडर्स एंड ए एक्सेप्ट द रेंट विच हैज़ बिकम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सिंस द एक्सपायरेशन ऑफ द नोटिस, द नोटिस इज वेव्ड। जिसमें कहा गया है ए जो है वो लेसर है और वो एक नोटिस देता है बी को, ठीक है, अब वो जब ए नोटिस देता है बी को वो नोटिस एक्सपायर हो जाता है और बी क्या करता है एक्सपायर होने के बाद वो कुछ रेंट दे देता है ए को। अब जब बी रेंट दे देता है ए को और ए जब एक्सेप्ट कर लेता है तो इस केस में वो जो नोटिस है वो यहाँ पे वेव हो गया, ठीक है, यानी कि वो जो नोटिस यहाँ पे ए बी को दिया था बी ने जब उसको रेंट दे दिया उस नोटिस के एक्सपायर होने के बाद भी तो इस केस में वो जो नोटिस था वो वेव हो गया। अगर यहाँ पे ए एक्सेप्ट कर लेता है बी जो पैसा दे रहा है तो यहाँ पे वो नोटिस वेव हो गया, ठीक है। अब इसका जो दूसरा इलस्ट्रेशन है, दूसरा इलस्ट्रेशन में कहा गया है ए द लेसर गिव्स बी द लेसी नोटिस टू क्विट द प्रॉपर्टी लीज, द नोटिस एक्सपायर्स एंड बी रिमेन्स इन पोजिशन, ए गिव्स टू बी एज लेसी अ सेकेंड नोटिस टू क्विट, द फर्स्ट नोटिस इज वेव्ड। अब इसमें कहा गया है कि सेम ए लेसर है, ए ने नोटिस दिया बी को और वो नोटिस एक्सपायर हो गया, अब वो नोटिस एक्सपायर होने के बाद भी बी उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में है तो क्या किया ए ने उसको सेकंड नोटिस दिया, ठीक है, फर्स्ट नोटिस उसने दिया था वो एक्सपायर हो गया उसके बाद भी बी जो है वो पोजीशन में है तो अब वो क्या किया वो सेकंड नोटिस दिया, यानी कि ए जो है वो सेकंड नोटिस दिया बी को, तो वो जो सेकंड नोटिस दिया उस दौरान उसका जो वो एक्ट की वजह से उसका जो पहले वाला जो नोटिस दिया था वो यहाँ पे वेव हो गया, ठीक है, यानी कि जो उसका फर्स्ट नोटिस था उसका वेव हो गया सेकंड नोटिस देने की वजह से, ठीक है, बस इसमें यही कहा गया है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी और वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके उस डाउट का एक वीडियो बना के अपने जो चैनल के इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज है उसमें मैं पोस्ट कर दूंगा जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी मिलेगी। और मेरे जो चैनल के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और अगर आप मेरे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर आप इस वीडियो को मेरे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।